एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो क्या है? भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि हम बच्चों को ये बताते हैं कि हमारा देश क्या है, एक यूनाइटेड है हमारा देश, जो पूरा देश है हमारा क्या है, सारा एक है। मतलब हमारी जो बोली भाषाएं है वो हर जगह क्या है, अलग अलग। अब देखो हमारा जो पूरा जो भारतवर्ष है उसमें कितने स्टेट्स हैं? 28। कितने स्टेट्स हैं? 28। ठीक है, टोटल 28 स्टेट्स हैं हमारे। हम कौन से स्टेट में हैं अभी? उत्तराखंड। हम उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने? 13 डिस्ट्रिक्ट है। हमारी कुछ अपनी बोलियां हैं, हमारी अपनी कुछ भाषाएं हैं। हमारी भाषा कौन सी है स्टेट की? हिंदी। हिंदी है। दूसरी संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है, लेकिन जो मेन हमारी जो भाषा है वो क्या है, बोलने वाली भाषा क्या है हमारी? हिंदी। ठीक है, वैसे हरेक जो स्टेट है, हरेक स्टेट की अपनी क्या है, एक अलग भाषा है। हरेक स्टेट की अलग बोली है, हरेक स्टेट के अपने कुछ डांस है, हरेक स्टेट के अपने कुछ सॉन्ग्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन 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 सी लैंग्वेज बोली जाती है भारत देश में? कन्नड़ और उर्दू। वेरी गुड, उर्दू, तेलुगू, तमिल। ठीक है, मलयालम, ये कई सारी टाइप की भाषाएं है ना। मतलब स्टेट के हिसाब से क्या है, सब लोगों के क्या है, कल्चर क्या है, अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरे देश में सब भारतवासी क्या है, एक। हम ऐसे तो बोलते हैं ना कि पूरा भारतवर्ष क्या है, एक। तभी हमने बोला कि हमारे टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। लेकिन हर एक स्टेट के कस्टम्स अलग हैं, कल्चर अलग है, उसके बावजूद भी सारा जो देश है हमारा एक देश है। तो ये जानने के लिए कि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग उत्तराखंड के हैं तो हमको ये नहीं पता कि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है। तो इसके लिए भारत में क्या किया है, सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इसमें देखिए, इसमें जो उत्तराखंड का जो सहयोगी राज्य है वो क्या है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक साउथ का एक स्टेट है। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि इस प्रोग्राम में वहां के जो बच्चे होते हैं या वहां के जो टीचर्स होते हैं वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट के बारे में क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं। मतलब अब जैसे आप दिल्ली जाओगे तो हम दिल्ली के बारे में हमें नॉलेज बढ़ेगी, हम दिल्ली में चीजें देखेंगे, लोग देखेंगे, वहां कैसी गाड़ियां चलती हैं, वहां पर लोग कैसे बात करते हैं, वहां पर कैसी बिल्डिंग्स बनी हैं, कैसे घर हैं, ये चीजें देखते हैं। तो वैसे ही हमारे जो स्टेट के जो बच्चे हैं, हमारे स्टेट के बच्चे वहां पर जाएंगे और उनके स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ पे आएंगे देखने के लिए कि यहाँ पर लोग कैसे बात करते हैं, यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है, यहाँ पर लोग कैसे डांस करते हैं, यहाँ पर खाना कैसे खाया जाता है, क्योंकि खाना खाने के पैटर्न्स भी सबके अलग अलग हैं। हम कुछ अलग खाना खाते हैं, वो लोग कुछ अलग खाना खाते हैं, हम लोग कुछ अलग कपड़े पहनते हैं, वो कुछ अलग कपड़े पहनते हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए भारत में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके मंत्री कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है देश के, रमेश पोखरियाल निशंक। तो उनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने क्या किया, ये प्रोग्राम को क्या किया है, लॉन्च किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कि हम दूसरे स्टेट्स के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्विज करेंगे। मतलब कर्नाटक स्टेट के बारे में हमने आपको सब लिखवा रखा है। यस सर। ठीक है, तो वो जो भी हमने आपको लिखवा रखा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे। ओके, चलिए रेडी आप किसके लिए? ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, कर्नाटक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एक बच्चा बता दो उठ के। ओके, कर्नाटक की राजधानी बताओ? बेंगलुरु। कर्नाटक की राज्य भाषा? कन्नड़। कर्नाटक के मुख्यमंत्री? येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल? वजूभाई। ओके, कर्नाटक का राज्य पशु? कर्नाटक का राज्य फूल? कर्नाटक का राज्य पेड़? कर्नाटक का राज्य पक्षी? कर्नाटक का क्षेत्रफल? एक बच्चा बता दो, एक लाख बच्चा बता दो। हाँ बताओ, बताओ बेटे। वेरी गुड। कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर? कर्नाटक की कितनी सीमाएं, कर्नाटक की सीमाएं कितने प्रदेशों से लगती हैं?
कर्नाटक के जिलों की संख्या? 30। कर्नाटक की लोकसभा सीटें? 28। राज्यसभा सीटें? 12। कर्नाटक के प्रमुख कृषि उत्पाद क्या हैं? बाजरा, धान और मक्का। ओके, कर्नाटक का प्रमुख पर्यटक स्थल क्या होगा? गुलबर्गा। वेरी गुड। कर्नाटक के प्रमुख खनिज? वेरी गुड, लोहा, तांबा और सोना। कर्नाटक राज्य का पुराना नाम क्या था? वेरी गुड, क्या था? स्टेट ऑफ। तो अब जैसे हमारा उत्तराखंड का पहले नाम क्या था, तो वैसे ही कर्नाटक का पहले नाम क्या था? स्टेट ऑफ। तो स्टेट ऑफ मैसूर से जो ये नाम चेंज किया गया कर्नाटक के कौन से ईयर में किया गया? वेरी गुड, 1900। कर्नाटक राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी? 6 करोड़। कर्नाटक किस सागर के तट पर स्थित है? अरब सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां स्थित है? कर्नाटक राज्य का नाम कर्नाटक किस वर्ष रखा गया? 1956। कर्नाटक राज्य का नाम कर्नाटक कब रखा गया? कर्नाटक, हाँ, 1973। 1956 में क्या रखा गया था इसका नाम? हाँ, जब ये राज्य बना था तब क्या नाम था इसका? वेरी गुड, स्टेट ऑफ मैसूर। कावेरी की सहायक नदी? हम्पी खंडर किस जिले में स्थित है? वेरी गुड, बेलारी। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग, सारावती नदी पर। कर्नाटक में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? बीजापुर। कर्नाटक राज्योत्सव कब मनाया जाता है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? चामराजनगर। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? वैसे ही देखो, हमारे यहाँ भी राजा जी को टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कब? 2015 में। कर्नाटक का सिल्क टाउन किसे कहा जाता है? रामनगर। अलामती डैम को किस नाम से जाना जाता है? अब ये बता सकते हैं आप कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? महात्मा गांधी की कब मनाई जाती है? उसी दिन मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री की भी। ठीक है, कर्नाटक की कबड्डी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? ममता। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी? मूल्यान। ओके, वेरी गुड।